अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतना कि मेरी गाड़ी 50,000 चल गई है और इसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो तो मैं करवा रहा हूँ। इसके अंदर अभी गियर ऑयल चेंज होने वाला रहता है, वो 40,000 पर चेंज करवाते हैं, बट वो अभी नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह जब भी मैं नेक्स्ट इंजन ऑयल चेंज करवाऊँगा तब मैं इसका गियर ऑयल लाजमी चेंज करवाऊँगा। और दूसरी चीज़ जो लोग नहीं करवाते, ट्यूनिंग, थ्रॉटल बॉडी वगैरह सब साफ करवा लेते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर जो कि गाड़ी की मेन चीज़ है, वो पीछे खड़ी है मीरा, उसका मैंने पता किया था 40,000 का, सिर्फ और सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर है, एग्जॉस्ट मुकम्मल जो है पूरा जो है। तो इससे अच्छा है ना कि नई गाड़ी है, अभी ये 50,000 चली है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन किया जाए ताकि वो चौक ही ना हो, ख़राब ही ना हो। इसलिए जो है ना, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये साफ ही नहीं करवाते। जो लोग खुद घर में कर सकते हैं वो तो कर लें, जिस तरह मैं तो कर लूँगा। अगर आप, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान तरीका है, वर्कशॉप पर किसी मैकेनिक से ये साफ़ करवा सकते हैं। और इसको साफ़ करवाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा तरीका। सबसे पहले बोनट को ओपन कर लेते हैं, इंजन की हालत काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है। ये सुजुकी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये है थोड़ा इशू, काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, मट्टी आती है इसके अंदर। तो ये अभी इसके यहाँ से मैंने जो एयर इनटेक है वो उतारा हुआ है। ये होता है ऑक्सीजन सेंसर, कैटालिटिक कन्वर्टर ये सारा है। तो इसकी जो ग्रिप है वो यहाँ, ये इधर नीचे से लगी होती है, ये देखिए, ये मैंने सारा पहले लूज कर लिया हुआ है, इसको सिंपल उतार लेते हैं। यहाँ वैसे मुश्किल से ही कुछ लगता है, यहाँ अगर आप चाबी लगा लें 22 नंबर की, चाबी से खुल जाएगा यहाँ रेंच, वो सही रहेगा। उसके अलावा जो है ना वो गोटी रॉड, वो नहीं इसको लगेगा क्योंकि ऊपर ही इसकी वायर्स आ जाती हैं सेंसर की, जिस वजह से। तो ये देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है। अब इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि इसके अंदर मैं लेके आया हूँ नमक वाला तेज़ाब, किसी भी हार्डवेयर वाली शॉप या केमिकल शॉप से मिल जाता है नमक वाला तेज़ाब। वो आपने डायरेक्ट नहीं डालना, वो बहुत वैसे ही ख़तरनाक होता है, आपने उसको बड़े ध्यान से यूज़ करना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो डायरेक्ट नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर नीचे ना कैटालिटिक कन्वर्टर की होती है नीचे जाली, अगर वो आप हाली डालेंगे तो वो जाली डैमेज होने का खतरा है। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा पानी डालूंगा, उसके बाद तेज़ाब डालूंगा और पूरा जो एग्जॉस्ट है ना वो भर दूंगा पानी के साथ। मतलब वो 1.5 लीटर की बॉटल है, ये तेज़ाब है ये, तो तेज़ाब और पानी के साथ, उसके बाद इसको लगा के और गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। जो भी जितना भी अंदर से गंद वगैरह है वो सारा एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले जो है ना इसको साफ़ कर लेते हैं। वैसे कोशिश करें जब आप ये करें तो हाथों के ऊपर कोई ग्लव्स वगैरह पहन लें, मैं देखता हूँ मेरे पास शायद गाड़ी में पड़े हुए हैं, अगर पड़े हैं तो मैं वो पहन लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं ध्यान से काफ़ी यूज़ करूँगा इसको, आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है। खोल लिया, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, ये वाली बॉटल के अंदर जो है ना थोड़ा तेज़ाब डाल लेते, ग्लव्स मेरे पास थे मैंने पहन लिए, बड़े ध्यान से फिर भी यूज़ करने हैं। चले इतना डाल देना। ये ऑक्सीजन सेंसर को ये देखें, नीचे से काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है। इसको साफ करने का तरीका इसके देखें, अभी मैं तो आपके अंदर डिप करूँगा और इसका कलर देखिए आप किस में चेंज होता है, वो देखिए तेज़ाब का नीचे से कलर जो है वो, उसके जो ऊपर जितना भी ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर जितना भी गंद वगैरह लगा है वो सारा उतरना शुरू हो गया। अब इसको हम रहने देते हैं इस तरह ही, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। इसको लगा लेते हैं इधर, ये देखिए ये हो गया। और अब इसके अंदर पहले डाल लेते हैं पानी, चलो जी पानी जाने के अंदर सारा डाल दो पानी। यार डाल भी दो, चलो और लो। इस तरह आपने पानी डालते जाना है तकरीबन 1.5 से 2 लीटर, 1.5 लीटर बहुत है पानी। चलें इतना पानी हो गया, अब इसके अंदर हम डालेंगे तेज़ाब, जो नमक वाला तेज़ाब है, इसको बड़े ध्यान से जो है ना इसके अंदर डालना। ये देखिए आपको धुआं महसूस हो रहा होगा,
और इसका इसको डालते हुए आपने अपना फेस जो है वो भी साइड पर रखना है। ये देखिए इतना खतरनाक है, ये देखें इतना, और इसकी स्मेल इतनी गंदी है। और मैं फेस जो है अपना साइड पर रखा हुआ, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ मैं। वो आगे उसका धुआं मेरे मुंह की तरफ आ रहा था, अभी साइड से बड़े ध्यान से तेज़ाब मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन सारे डाल दिए, इतना सारा बस बचा है, बड़ी मुश्किल से डाला है। आगे मुंह नहीं किया जा रहा उसके आगे, क्योंकि उसके अंदर से ना ये देखिए अंदर ऊपर से हल्का हल्का धुआं निकलता है और बड़ा ख़तरनाक है। ये देखिए जो ऑक्सीजन सेंसर था उसका क्या कलर क्या हो गया नीचे से उसका, और ये देखिए ये फुल साफ़ हो गया। इसको अब कपड़े से साफ़ करेंगे, पहले धो के, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और देखिए ना वो नीचे से जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है सारी। अब क्योंकि इसके अंदर पहले पानी डाला है और तेज़ाब डाला है, अब दोबारा इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सारा पानी डालते हैं, उसके बाद सेंसर को ऊपर टाइट करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या जो इसने तेज़ाब डालने से क्या फ़ायदा है और सिलेंसर के थ्रू क्या निकलता बाहर। भाई इधर देख के ज़रा हाथ ला दें, ये देखिए साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह का हो गया सेंसर, पहले आपने देखा होना है फुल ब्राउन हुआ था। इसको बेसिकली उसके साथ अंदर मैंने डिप किया है तेज़ाब के अंदर, उसके बाद इसको पानी से धोया और साफ़ किया। अब इसको लगा लेंगे वापस इसकी जगह पर। इसको प्रॉपर टाइट करके फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर मैं अगला शॉट आपको दिखाता हूँ। सेंसर मैंने लगा लिया, यहाँ उसका क्लिप था एक, और नीचे नीचे उसकी जो ग्रिप थी वो भी लगा ली। अब गाड़ी को स्टार्ट करने की बारी आई है, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने देख लेना है कि पीछे जो उनका सिलेंसर के बैक साइड पर जगह क्लियर है, कोई वो कोई चीज़ तो नहीं, मतलब कोई जानदार कोई जानवर वगैरह अक्सर आपको पता है बैठे होते हैं पीछे, वो तो नहीं। और दूसरा ये गाड़ी खड़ी है, इसको थोड़ा सारा पीछे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी छींटे पड़नी है, छींटे उड़ के गाड़ी के ऊपर ना जाएँ। तो सबसे पहले गाड़ी को पीछे कर लेते हैं थोड़ा, और इसको फिर स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा दूर खड़ा हो गया हूँ, गाड़ी अब स्टार्ट होने लगी है। ये देखिए किस तरह प्रेशर से निकला है, ये देखिए चीटें यहाँ तक पड़ी हैं, आगे बिल्कुल ब्लैक कलर का निकल रहा है। ये सारा बीच में से अंदर से कचरा ही बाहर आ रहा है सिलेंसर के थ्रू, और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा गंदी है क्योंकि बड़ा ख़तरनाक तेज़ाब है। जितना भी अंदर जितना भी कोई गंद वगैरह है छोटा मोटा चीज़ें इस तरह की, सारा सिलेंसर के थ्रू देखे बाहर आ गई, सारा तेज़ाब पानी और वो सारा इतना थिक है। रेस देना रहा फिर मजीद अभी निकल रहा है, अभी इसको जिस तरह जितना चलाएंगे वो फुल क्लियर हो जाएगा इंजन। ये स्टीम निकलना शुरू, इसका फ़ायदा ये है कि अब गाड़ी आपकी ईजी चलेगी बहुत ज़्यादा, गाड़ी को अब जब चलाएंगे आपको तो बहुत ज़्यादा आपको स्मूथनेस फील होगी और गाड़ी का इंजन बड़ा ईजी रहेगा। तो ये तकरीबन 35 से 40 हज़ार किलोमीटर के बाद जो कैट है गाड़ी का वो साफ़ करवा लेना चाहिए, ये लाजमी है। नहीं करवाएंगे कैट चौक हो जाएगा, नहीं करवाते जो बेसिकली ये कोई भी नहीं करवाता। और सही बात पूछें तो मुझे भी इस चीज़ का नहीं था पता, वो पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो 60 हज़ार चल गई थी, तो मुझे पता चला था, मैंने सब फ़ौरन करवाया और मैंने उसका दो दफ़ा किया है और इसका पहली दफ़ा आज किया है। तो इंशाल्लाह ताला अब जब ये चलेगी लाख तो फिर दोबारा इसके ऊपर देखेंगे इसको। वैसे अभी इसको अभी चलने के अंदर कोई इतनी ज़्यादा हार्डनेस या कोई अनईजी नहीं थी, मैंने कहा था इसी आता चेंज इसको साफ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।